वेलकम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तों कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जिला सीधी मध्य प्रदेश द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है इसमें दोस्तों जो सीधी जिला का दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है उसको सुचारू रूप से संचालन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है पंद्रह नौ दो फ्रेंड्स और आइए देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इसमें पहले नंबर में पद का नाम है क्लिनिकल मनोचिकित्सक या पुनर्वास मनोचिकित्सक यहाँ पे क्लिनिकल मनोचिकित्सा में एम चाहिए होगा <coughs> क्लिनिकल मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा पुनर्वास मनोचिकित्सक बीस हजार पाँच सौ रुपये मासिक रखा गया है दूसरे नंबर पे है सीनियर प्रोस्थेटिक एक पोस्ट इसमें प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक्स में स्नातक बीस हजार पाँच सौ रुपये मासिक मानदेय हियरिंग असिस्टेंट एक पोस्ट है इसमें आपके पास डी एच एल एस या डी एच ए आर ई एम टी सोलह हजार रुपये मासिक मानदेय रखा गया है फिर है दोस्तों मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर जिसको गतिशीलता परीक्षक कहते हैं दसवीं होनी चाहिए और साथ में आपके पास गतिशीलता में सर्टिफिकेट या बीएमएससी या दृष्टिवादिता में डी विशेष शिक्षा बी विशेष शिक्षा चौदह हज़ार पाँच सौ रुपये मासिक मानदेय फिर है दोस्तों एम की पोस्ट मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर इसमें पी जी डी सी बी आर सी बी आई डी और एम आर डब्ल्यू में डिप्लोमा चौदह हजार पाँच सौ रुपये मासिक मानदेय अकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर एक पोस्ट दो वर्षों के अनुभव के सहित बी काम चौदह हजार पाँच सौ रुपये मासिक मानदेय वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट तो इसमें डी वी आर ए डी सी जी सी या पुनर्वास विज्ञान स्नातक चौदह हजार पाँच सौ रुपये मासिक मानदेय आठवें नंबर पे ट्रांसडिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक एक पोस्ट इसके लिए इनमें से कोई एक जैसे वी आई अथवा आई डी सी पी अथवा ए एस डी दी, एम डी डी बी इनमें आपके पास क्वालिफिकेशन कोई सी भी होनी चाहिए चौदह सोलह हज़ार रुपये मासिक मानदेय इसमें रखा गया है फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट इसमें स्नातकोत्तर इस एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव चाह गया है अठारह हज़ार रुपये मासिक मानदेय रखा गया है दसवें नंबर पे है चौकीदार नाइट गार्ड एक पोस्ट है आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पे जो वेतन मान रखा गया है वो कलेक्टर दर पर अकुशल श्रमिक के रूप में रखा गया है उम्मीदवार को प्रारूप में उप संचालक सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला सीधी के नाम से दिनांक पंद्रह नौ दो हजार तेईस समय छः बजे तक जिला स्तर पर आमंत्रित किए जाते हैं यहाँ पे आप अपना आवेदन भेज सकते हैं आवेदन स्वयं उपस्थित होकर या सीलबंद लिफाफे में डाक पते से भेज सकते हैं निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और मुख्य बिंदु इसमें क्या है ये इसका आवेदन फॉर्मेट है सरल है इसको आप आसानी से भर के और भेज सकते हैं साथ में इसमें पावती का भी दिया हुआ है तो यदि आप हैंड टू हैंड जाके जमा करते हैं तो ये पावती भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स ये जिला सीधी पुनर्वास केंद्र की वैकेंसी है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में आप सबका दिन शुभ हो धन्यवाद